क्या आपका आम आदमी पार्टी के लिए सहयोग है, आपका उनके लिए क्या मत है, और अगर वो आपके ही आदर्शों को मानती है तो क्या फिर भी आप उनसे दूरी बना के रखेंगे? वो हमारे आदर्शों को मानता है, लेकिन एक बात की कमी हमारे में दिखाई देती है। हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, भारत का संविधान, पूरे संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर भी नहीं है। हमारा संविधान पक्ष और पार्टी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे रहा। आज तक संविधान के अपोजिट में ये इलेक्शन चल रहे हैं, संविधान के अपोजिट में। तो इसलिए अभी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हम लोग मित्र हैं, मित्र रहेंगे, लेकिन पार्टी ने कहा है और संविधान कह रहा है कि पार्टी को इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? संविधान कह रहा है, हमारा विश्वास है संविधान पर, हमारा देश चल रहा है संविधान के आधार पर चल रहा है, और संविधान ये कह रहा है। फिर संविधान क्या कहता है? लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत का कोई भी नागरिक, इंडिविजुअल, वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है जिनकी उम्र 18 साल की है। ऐसा भारत का कोई भी नागरिक चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, इंडिविजुअल, समूह नहीं। और ऐसे इंडिविजुअल आदमी जो खड़ा होगा, वो अगर चरित्रशील है तो जनता ने उसको चुनकर संसद में भेजना, या निर्दलीय है, चरित्रशील है, ऐसे लोगों को चुनकर भेजना, पक्ष और पार्टी को नहीं। ये हमारा संविधान कह रहा है। तो हमारा विश्वास संविधान पर है, इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो हम लोग मित्र है, लेकिन पार्टी निकाली इसलिए कुछ नहीं कर सकते। हम उनको कह रहे हैं कि पार्टी खत्म कर दो, मैं सपोर्ट करूंगा, पार्टी सपोर्ट करो, पार्टी खत्म करो तो सपोर्ट करूंगा। अन्ना जी, फॉलोअप क्वेश्चन उस पे। सो अभी 2014 इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा अभी पीपल आर सो हेल्पेंट कि नरेंद्र मोदी को सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट एज इफ कि नरेंद्र मोदी का जो पार्टी है बहुत अच्छा है। अभी जो करंट पावर में हैं वो लोग इतने करप्ट हैं और उससे हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो भी लेसर ऑफ टू इवल्स हैं। व्हाट डू वी डू देन? Yeah, thank you for your question. हमारे संविधान के मुताबिक पक्ष और पार्टी को अनुमति नहीं दे रहा हमारा संविधान। चारित्रशील कोई भी उम्मीदवार है, हमारा संविधान ये कह रहा है कि चारित्रशील उम्मीदवार, ऐसे उम्मीदवार खड़ा है तो जनता ने ऐसे उम्मीदवार को, इंडिविजुअल उम्मीदवार को भेजना, समूह को नहीं। ये समूह के कारण करप्शन बढ़ गया, संसद में समूह हो गया, बाहर भी समूह बन गया, इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया, गुंडागर्दी बढ़ गई, लूट बढ़ गई। तो इसीलिए चारित्रशील आदमी को, मैं अभी जो घूम रहा हूँ पूरे देश में, जनता को ये बता रहा हूँ कि चारित्रशील लोग आप खड़ा करो, या चारित्रशील उम्मीदवार है तो ऐसे लोगों को अंदर आगे भेजो। हो सकता है चारित्रशील लोग अगर संसद में गए तो पूरा बदलाव आ जाएगा, और पक्ष और पार्टी, जनता अगर जागरूक होगी और ऐसे लोगों को जनता ने आगे भेजा तो पक्ष और पार्टी तंत्र ऑटोमेटिक निस्तनाबूद हो जाएगा और देश में जनतंत्र आएगा। जनतंत्र लाने के लिए यही पर्याय है।
So we'll start with the question what we had asked, that what is his opinion about? A quick comment to the audience. We know you guys all have a lot of questions. We tried to collate like the questions on the Google Doc here. So, and we have like more questions lined up. So please restrain from asking him from, because that was not a part of our plan right now. Thank you. So coming back to the topic, we were talking about Aam Aadmi Party, and here I'll give a little background that Kejriwal was working with Annaji, and then he is behind the Aam Aadmi Party, and we are asking him whether he supports that party because that party has the same ideology just like him. So he says that, so he's saying that he doesn't want to support any political party because it's against the Indian constitution, because it very clearly states that there should be no political party involved in the election. It has to be an individual. So he thinks whoever is capable of running the country, they are honest, they are pure, they have good character, they can run the election. But they should not be part of any political party. He says Kejriwal is his friend and he likes him and he will support him. But if he forms a party, then he doesn't believe in the ideology of any party because it's against the constitution. So individual, nice people, he supports, parties, he doesn't. And the follow-up question was that Congress is corrupt, Bhajpa is corrupt. It's not my view, we are just talking in general that we have so much corruption going on. I want to be politically correct here. So many things going on. How do we decide whom to vote? Do we vote Congress? Do we vote Bhajpa? Do we vote some new party or Aam Aadmi Party? No. We just vote an individual who has a strong character, who we know is honest and who is pure. Right? To summarize it in one short line. Yeah. Anna does not support any party. Anna does not support any candidate. Anna says not party A or B will change, nor the candidate A or B will change. Anna says the system has to be changed. So he is behind system transformation, nothing else. But how do you form a government then? You have to form a government at the center to actually bring about. It is the people to come together. There will be two streams always. They are in the India since Mahatma Gandhi, since Jai Prakash Narayan. One stream will be political. I know what you intend to ask is good people must come to politics, but then some good people must remain outside the politics also. That is the issue. Thank you. So, हमारा अगला सवाल अन्ना जी है, जो बाहर भारतीय लोग रहते हैं, हमारे जैसे विद्यार्थी रहते हैं यहाँ के लोग, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करें? हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं? हम लोग पैसा धन दौलत की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जैसे ये मोमेंट को आगे बढ़ाना है, आज हम लोग ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी बहुत वीक है। अगर अमेरिका में रहने वाले भारत के लोग हमें जो डेवलपमेंट टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ के टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई है, ऐसे टेक्नोलॉजी का हमें अगर सपोर्ट मिल गया हो तो हम पूरी दुनिया में ये बात फैला देंगे। आज हम कम पढ़ते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कम है, तो इसलिए हम अमेरिका से जनता से जो भारत के लोग यहाँ रहते हैं उनको अपेक्षा करते हैं कि आपके तरफ से हमें टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिलने की अपेक्षा है। बाकी हमें धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दिल चाहिए, बस बाकी नहीं चाहिए कुछ। So Anna ji is saying that he wants just our heart and nothing else from us, and he believes that we are very advanced in technology and that's where they are lacking. So it will be really nice and it will be great if we can give them technical support and we can support the whole movement by helping them with the technology. तो अन्ना जी, इसी मुद्दे पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम फेसबुक की बात करते हैं, टेक्निक की, लाइक्स की, ब्लॉग की, और वही सब हम यहाँ बैठकर करते हैं,
और हमारा जो भारत में ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है उस पर उतना योगदान नहीं होता। इसे हम जो कहते हैं कि हम मराठी में जिसे कहते हैं उंटा वरुण बसुंत शेरी हाफना, यानी एक जगह पर बैठे हैं हम, यहाँ से हम सिर्फ बोल रहे हैं और भारत में आम जनता स्ट्रगल कर रही है। तो आप हमें क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा और कुछ हम कर सकते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल गया तो गांव-गांव में हमारे जो भी कार्यकर्ता खड़े हो गए उनके पास पहुंचने के लिए हम एक जगह पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम से हम बोल सकते हैं उनके साथ। वो एक एक गांव में उधर खड़े हो जाए बैठेंगे, हम एक जगह से उनके साथ संपर्क बनाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। ये एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई है इसका हमें एडवांटेज मिल गया तो एक जगह से हम अभी जैसे हमें 6 राज्यों में घूम रहा हूँ, अभी वहाँ से 50,000 लोग हाथ में आ गए, अभी इनके साथ संपर्क बनाना है। तो हम वो जब गांव में जाएंगे, गांव में काम करेंगे, ब्लॉक में काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, स्टेट में काम करेंगे, तो उनके साथ जुड़े हैं लोग हैं, उनके साथ बैठकर हम बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया कई प्रकार के, मुझे पूरा पता नहीं है अभी, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल गया तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते। थैंक यू अगेन फॉर द क्वेश्चन। Anna is looking forward to get connected with everywhere in the world, not only India or the United States. This is just the beginning. He wants to get every person, like-minded people, on same platform internationally. Corruption is not only India's issues. Peaceful, violent protesters, there are different things. There are so many issues has to be raised. So he wants people to come together and create a platform which will be more sustainable, stay outside of government and politics and create a much bigger pressure group rather than getting involved with party and politics and same ditch and same old saying. Okay. So, I didn't translate that a second. So, what Anna was trying to say was that we should not think that it's armchair activism what we are doing here. Whatever we can do is always good, and by video conferencing, by using all these technologies, we can always be in touch, because he meets thousands and thousands of people, and currently around 50,000 volunteers he has recruited, and he just wants to be in touch with everyone, and he wants to bring everyone together, and the help he will need is of technology, and that we can give him. So, अगला प्रश्न अन्ना, आपने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था और मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी, तो हम इसको करते हैं कि रायगांव सिद्धि, आपका जो गांव है रायगांव सिद्धि, उसमें आपने क्या क्या सुधार किए और कैसे शुरू किया, क्या क्या आपने वहां पे किया, उसके बारे में आप हमारी जनता को बताएं। पहले तो वो एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया है, वर्षा बहुत कम होती है, ईयरली 400 या 500 मिली ईयरली रेनफॉल। अब पहले जो वर्षा का पानी गिरता है वो निकल जाता, रोकथाम नहीं था, इसके कारण 80% लोग भूखे सोते थे क्योंकि पानी नहीं है। एक क्रॉप के लिए 300 एकड़ के लिए वन डे पानी मिलता है, ऐसी स्थिति थी गांव में। पहले सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का काम किया, बारिश के पानी का बूंद ना बूंद को रोका, ऊपर से लेकर फॉरेस्ट डेवलपमेंट, गली प्लगिंग, लूज वाटर स्ट्रक्चर, सीसीटी, नाला बंद, शेक डैम, गैबन डैम्स, रिचार्ज नाला बंडिंग, पूरा टॉप टू बॉटम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो जो वाटर कंजर्वेशन हो गया वो रिचार्ज हो गया, और रिचार्ज होने के कारण सिर्फ 300 एकड़ जमीन में एक क्रॉप के लिए पानी मिलता था, और 1,500 एकड़ जमीन में
टू क्रॉप के लिए पानी मिल रहा है, एक। दूसरा, चरितार्थ चलाने के लिए, क्योंकि हाथ के लिए काम नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं, और लोगों ने शराब निकालना शुरू कर दिया गांव में, शराब की भट्टी कंट्री, शराब निकालना, बॉटल भरना, गांव गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना। ऐसी स्थिति में गांव जा रहा था। आज जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 16 साल हो गए, 16 साल बीड़ी सिगरेट खैने बिक्री के लिए नहीं, गांव में 16 साल से किसी दुकान में नहीं गया, बीड़ी सिगरेट खैनी। तो एक शराब का परिवर्तन। हम एजुकेशन में एक स्कूल चलाते हैं, ऐसे बच्चों को एडमिशन देते हैं जो गुंडागर्दी करता और जो फेल है, पास बच्चों को एडमिशन नहीं, जो फेल है ऐसे बच्चों को एडमिशन। अच्छे को अच्छे करना क्या खासियत है, जो बिगड़ गए हैं उनको सुधारना जरूरी है। तीन टाइम जो फेल है उसको प्रायोरिटी एडमिशन के लिए, तीन टाइम फेल पहले प्रायोरिटी। ऐसे बच्चे लेकर हमारा एसएससी का रिजल्ट है 100%। और 12th क्लास का परसेंट है 95% है। 12th क्लास में साइंस, रूरल में साइंस, आर्ट, आर्ट, इतना छोटे गांव में कंप्यूटर। अभी हमारे गांव के, गांव से खर्चा से 35 कंप्यूटर लगाए स्कूल में, गांव का खर्चा से। ये अमेरिका में कहना आसान है, लेकिन रालेगंज सिद्धि जैसे एक ड्रॉट पॉन एरिया में जो गांव है, तो एजुकेशन में भी हम लोग ध्यान दिया। लेकिन एजुकेशन में लिखाई पढ़ाई करने की शिक्षा इतना ही नहीं, तो जीवन का चरितार्थ तो उसने कैसे चलाना, मतलब चारित्र। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चारित्र, चारित्र निर्माण, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया कि बच्चों में शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग, इंसल्ट पीने की शक्ति, ये गुण कैसे आ जाएगा। इसलिए हमारा स्कूल का जो टाइम है वो 11 से 5 नहीं, ये 11 से 5 से देश नहीं बनेगा। मॉर्निंग 5 o'clock, सवेरे 5 बजे उठना, रनिंग, पीटी, योगा, 1 घंटा हाथ में झाड़ू लेना, झाड़ू, युगो, युगो नहीं निर्माण होना, अंदर युगो ना आने के लिए झाड़ू लेना बहुत जरूरी है। तो ये सवेरे 5:30 बजे